पिंक सिटी जयपुर हुई शर्मसार। जेएलएन मार्ग पर एएनएम ने उतारे कपड़े। एपीओ करने और तबादला होने से थी परेशान। चिकित्सा विभाग की संवेदनहीनता हुई उजागर। जयपुर में एक शर्मसार करने वाले घटनाक्रम में ब्यावर की एक महिला एएनएम ने एसएमएस अस्पताल के चरक भवन के बाहर जेएलएन मार्ग पर कपड़े उतार दिए। इस घटना से एकदम से हड़कंप मच गया। पहले तो राहगीरों ने महिला को मानसिक रूप से परेशान समझा, लेकिन उसने जब चिकित्सा विभाग पर एपीओ करने और बार बार तबादला करने का आरोप लगाया तब मामला उजागर हुआ। इस मामले पर भाजपा के प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने प्रतिक्रिया देकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना और शर्मसार आदेश आते हैं कि ब्यावर से चलकर एक महिला जो दावा इस बात का करी है कि 2020 से लेकर एएनएम के पद के ऊपर मुझे एपीओ किया गया था, आज तक मुझे विभाग ने बहाल नहीं किया और जयपुर के अंदर आके अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए नग्न होकर सरकार की आंखें खुलाने का प्रयास करी। ये सरकार के लिए शर्मसार करने वाली घटना नहीं है, ये राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना है कि उच्च अधिकारियों की लापरवाही की वजह से किसी महिला को इस तरीके का कदम उठाना पड़े। सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और जो भी नियम कानून के अनुसार समाधान हो सकता है वो समाधान निकालने का काम करे। वहीं इस महिला को पुलिस शांति भंग के आरोप में थाने पकड़ कर ले गई और बाद में जमानत पर छोड़ दिया, लेकिन इस महिला ने फिर दोबारा जयपुर के कलेक्ट्रेट सर्किल पर कपड़े खोलने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस ने इस महिला को महिला सदन भेज दिया। इस मामले में अजमेर के सीएमएचओ ने बताया कि इस महिला एएनएम को ब्यावर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में एपीओ किया गया था, लेकिन व्यवहार में सुधार नहीं होने पर चिकित्सा विभाग की ओर से सस्पेंड कर दिया गया। खासखबर.com के लिए कैमरामैन सुरेश तानिया के साथ सत्येंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।